नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ओमकार अदाटे। आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी, खाबों का सफर। तो आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द गियर शो। और नाम के अनुसार ही हम इसमें नई नई और बढ़िया चीजें जो हम ट्रैकिंग, कैंपिंग और हमारे रोज के जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये सीरीज हिंदी के साथ ही इंग्लिश और मराठी में भी अवेलेबल है और इसका इंग्लिश में पॉडकास्ट भी अवेलेबल है और जिसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो हमारे फुटवेयर, शूज हमारे सबसे पहले साथीदार होते हैं किसी भी एडवेंचर एक्टिविटी के लिए, और वो बेशक हमारा सफर बना या बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम हमारे लिए परफेक्ट शूज कैसे चुने ये देखते हैं। वैसे तो हमारे लिए परफेक्ट शूज चुनना अनेक बाहरी फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे कि जहाँ हम ट्रैकिंग के लिए जाने वाले हैं उस जगह के स्वरूप पर, हमारा सफर, ट्रैक की अवधि पर, और हम कितना भारी सामान हमारे साथ लेकर जाने वाले हैं उस पर भी। तो ये सारी बातें हमारे निर्णय को प्रभावित करती है, और वो ऐसे। समझने के लिए हम शूज को तीन व्यापक श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट, हाइकिंग शूज या ट्रेल रनिंग शूज। ये लोकट मॉडल्स होते हैं और उनके रबर सोल्स लचीले और फ्लेक्सिबल होकर हल्के भी होते हैं। ये मूलभूत शॉर्ट ट्रैक, वन डे या वीकेंड ट्रिप्स के लिए उचित है जहां हल्के बैकपैक्स होते हैं और रास्ते आसान, वेल पेव्ड होते हैं। लगभग सभी ही हाइकिंग शूज़ ब्रीदेबल होते हैं और इसीलिए गर्मी के मौसम में ये उचित है। सेकेंड, ट्रैकिंग बूट्स। ये मिडकट मॉडल्स होते हैं जिनके सोल हाइकिंग शूज़ के मुकाबले अधिक सख्त और हमारे पैरों और एंकल्स को अधिक सपोर्ट देते हैं। इनके अपर्स या अपर लेयर लेदर या सिंथेटिक से बनाए हुए होते हैं। ये बूट्स लंबी ट्रैक के लिए उचित है जो एक सप्ताह लंबी भी हो सकती है और जिसमें थोड़े वजनदार बैकपैक्स उठाने पड़ते हैं। ये ख़राब रास्तों पर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बूट्स बर्फ़, बारिश में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और थोड़े वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। ये शूज़ सह्याद्री में ट्रैकिंग के लिए एकदम उचित विकल्प है। थर्ड, माउंटेनियरिंग बूट्स। ये हाईकट मॉडल्स होते हैं जो अधिक टिकाऊ होकर चैलेंजिंग ट्रैक्स के लिए डिज़ाइन किए होते हैं। कभी कभी ये ट्रैक्स 10 दिन से भी अधिक समय के हो सकते हैं। वजनदार बैकपैक्स के साथ भी ये शूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन शूज के आउटर सोल्स ज़्यादा जाड़े या थिकर होते हैं। इसका फैब्रिक भी ज़्यादा टिकाऊ होता है। इनमें इंसोल पैडिंग होती है जिसके कारण हमारे पैरों को थोड़ा आराम मिलता है। ये हमें बेहतर एंकल सपोर्ट देते हैं। ये क्रैम्पॉन रेडी फीचर्स के साथ आते हैं जिससे कि ये बर्फ़ में भी आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन सभी चीज़ों के कारण ये बूट्स महंगे होते हैं और ज़्यादातर प्रोफेशनल ट्रैकर्स ही उन्हें खरीदते हैं। हिमालयस जैसे ठंडी जगहों में ट्रैकिंग करने के लिए ये एकदम उचित विकल्प है। और आगे बढ़ने से पहले, ये वीडियो हमने एल्डोज एडवेंचर इनके सहयोग में बनाया है। ये सारे टॉप एडवेंचर ब्रांड प्रोडक्ट्स के मुंबई बियॉन्ड ठाणे रीजन के अधिकृत विक्रेते हैं और ये डोंबिवली में स्थित है। और सबसे अच्छी बात, आप एक्सप्लोरिंग इंसैनिटी का उल्लेख करके 20% तक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पा सकते हो उनके सभी प्रोडक्ट्स जो उनके स्टोर में उपलब्ध है और जिसकी लोकेशन लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। और ये सारे इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। एडिशनल टिप्स। तो एक बार अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने शूज़ का टाइप चुनने के बाद हमने इन सभी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, वाटरप्रूफ या ब्रीदेबल मेम्ब्रेन्स जैसे गोरेटेक्स, इवेंट, नोवा ड्राई, ये मटेरियल से बने हुए हैं क्या नहीं। सेकंड, हमें हमेशा शूज़ हमारे लिए राइट फिट है या नहीं ये देखना चाहिए। माउंटेनिंग बूट्स के लिए हमें हमेशा एक साइज बड़ी लेनी चाहिए क्योंकि उससे हम मल्टीपल वुलन सॉक्स के लेयर्स पहन सकते हैं जो हमें ठंडी जगहों पर मदद करेगा। इसके कारण ब्लिस्टर्स से भी बचा जा सकता है। थर्ड, आजकल वीगन फ्रेंडली हाइकिंग बूट्स या शूज़ भी मार्केट में मिलते हैं जो सिंथेटिक लेदर से बनाए जाते हैं और इनमें किसी भी पशु पदार्थ का इस्तेमाल नहीं होता। तो अगर आप वीगन हैं तो
ऐसे शूज का विकल्प चुन सकते हैं। फोर्थ, नए शूज खरीदने के बाद हमें हमेशा एक्चुअल ट्रैक पे जाने से पहले वे शूज कुछ देर पहनने चाहिए, जिससे कारण हमें उनकी आदत हो जाए। तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मैं अगला कौन सा प्रोडक्ट रिव्यू करूँ ऐसा आपको चाहिए। ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे ऐसे अनेक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और अंत में इंसेनियंस, घूमते रहिए, अपना ख्याल रखें और जल्द ही मिलेंगे।